हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट में हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड आउट की थी। तो वो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, मैं उन इक्वेशंस को आज यहाँ पे नोट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और इन इक्वेशंस को आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, क्योंकि जो हम आज टॉपिक करेंगे वो है माइकलसन मोरले की जो नेगेटिव रिजल्ट था लॉरेंज फिट्जेरल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जो मैंने बोला था कि माइकलसन मोरले इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये इसका एक नेगेटिव रिजल्ट था। तो आज हम लॉरेंज फिट्जेरल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लंबाई में संकुचन पढ़ेंगे। अब वो लॉरेंज नहीं दिया तो लॉरेंज अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज़ करेगा। तो इसका मतलब आपके पास दो नंबर में एक टॉपिक आ जाए कि लॉरेंज फिट्जेरल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। लॉरेंज फिट्जेरल्ड लंबाई संकुचन, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉरेंज ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ करी थी, तो वो इक्वेशंस डायरेक्टली यूज़ होंगी यहाँ पर। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं क्या एक बार लॉरेंज की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है वो लिख रही हूँ। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण दो थी ये आपने कल देखा था। एक तो लॉरेंज की रूपांतरण समीकरण थी, दूसरी क्या थी, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ लॉरेंज थी, यानी कि व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण थी। तो इनवर्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक याद कर लो तो इनवर्स अपने आप आ जाएंगे। तो मैं दोनों यहाँ पे नोट करूंगी। तो पहले x डैश की हमने जो कल वैल्यू निकाली थी वो क्या था, x अल्फा इंटू x माइनस वी टी, यही था। जहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1/√1 - v² / c² जो कि क्या है, गामा के इक्वल भी था। और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस अल्फा वी या फिर माइनस गामा वी। आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए, एक तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए और दूसरी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो वाई डैश वाई के इक्वल आया था और जेड डैश जेड के इक्वल आया था और टी डैश क्या था, अल्फा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर में सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशंस है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और अगर मैं इनवर्स देखूं तो वो फिर क्या थी, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। मैंने क्या किया है, जहां पर डैश नहीं था वहां डैश लगाया और माइनस की जगह प्लस किया, और जहां डैश था वो डैश हटा दिया। अगर आपके पास इनवर्स है तो आप डायरेक्ट लिख देना इनको, मतलब ये वाली सॉल्व करके डायरेक्ट इनवर्स लिखना, इनवर्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कई टॉपिक्स में जरूरत होगी लेकिन कईयों में नहीं है। तो जेड जेड डैश के इक्वल और वाई वाई डैश के, सिमिलरली टी यहाँ पे फाइंड करेंगे टी डैश की, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर में सी स्क्वायर। इन इक्वेशंस को नोट करने का रीज़न ही ये है कि आज इन इक्वेशंस का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और दूसरा, मैंने कल आपको क्या बताया था, गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ये कैसे बदल जाता है, तो वो कैसे बदल रहा था, जब v जो है ऑलमोस्ट जीरो थी या v c के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम थी, यानी कि जब मोशन कैसी हो, स्लो हो, तो उस केस में क्या होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जगह पर गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज किया जाता है। और लॉरेंज में वी जो है वो ऑलमोस्ट सी, यानी कि मोशन बहुत ज्यादा फास्ट या फिर हाई स्पीड की हो, तो उस केस में क्या किया जाता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज किया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स भी बताए थे, जब प्लेन लैंड करने वाला अर्थ पे और जब प्लेन जो है वो स्काई में फ्लाई कर रहा है यानी कि आसमान में ही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब हम क्या आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वो क्या है, लॉरेंज फिट्जेरल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लॉरेंज फिट्जेरल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं लॉरेंज फिट्जेरल्ड लंबाई संकुचन। इसका मतलब क्या है कि लॉरेंज फिट्जेरल्ड साइंटिस्ट का नाम है, इसी के नाम पर दिया गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को नाम। इसका मतलब क्या है कि लॉरेंज फिट्जेरल्ड, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया है
कि ये बहुत ज़्यादा जब वेलोसिटी होती है ऑलमोस्ट सी के इक्वल, तब लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। अगर वेलोसिटी बहुत कम होगी तो वो गैलीलियन में बदल जाएगा। तो मतलब क्या है कि लॉरेंज फिट्ज़रर के अकॉर्डिंग अगर जो वेलोसिटी है वो सी के बराबर या बहुत ज़्यादा होगी और उस फ्रेम ऑफ, हम क्या मूव करवा रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लो कोई बॉडी पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जो मान लो 10 मीटर लंबी है, तो वो भी अगर देखो मैं मूव कर रही हूँ, आपने ये पढ़ा होगा कि बस जा रही है, आप बस में बैठे हो तो आप क्या बोलते हो कि मैं बस से जा रहा हूँ, या मेरी भी मोशन आपको देख, तो अगर बाहर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको क्या लगेगा, आप भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है तो वो भी मूव करेगी। तो कैसे उसने कहा लॉरेंज फिट्ज़रर ने, जैसे मान लो कि ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो ऐसे, इस तरीके से x x डैश एक्सिस, o डैश o, y ये y डैश है, ये y ही है, z z डैश, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस s है, ये s डैश है। s क्या है, v वेलोसिटी से, s जो है उसका ऑब्जर्वर है o और वो कैसा है, स्टेबल पड़ा है, और s डैश को दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में पढ़ा था कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वैसे ही इसमें भी क्या किया, x एक्सिस के अलोंग जो है इसको मूव करवा दिया, तो जिससे क्या हुआ, v जो है वो कितनी ली, c के बराबर या बहुत ज्यादा स्पीड की ली, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश में ऐसे कोई रोड पड़ी है, कोई छड़ पड़ी है, और वो छड़ कैसी है, मान लो 1 मीटर की छड़ है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ी है, s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो मैं अगर इसकी पोजीशन निकालूं s डैश के रिस्पेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, मान लो कि ये पॉइंट है x1 डैश और ये क्या है x2 डैश, तो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो इस रोड को मैं किससे डिनोट कर सकती हूँ, इसकी लेंथ को x2 डैश माइनस x1 डैश से, यही इसकी लंबाई है इन दो पॉइंट्स की, ये वाली डिस्टेंस से ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक इस ये जो रोड है, वैसे तो मुझे पता है कि ये 1 मीटर की है, इस रोड की लेंथ पता चल जाएगी, चलो एक बार 1 मीटर घटा दो, और ये भी रोड कैसी होगी, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूव करने से कैसा लगेगा कि ये रोड भी मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से। तो और अगर मैं देखूं s फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसी रोड की पोजिशन क्या हो जाएगी, मैं क्या ले लूंगी x1 और x2, मतलब s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इस रोड की लेंथ। तो लॉरेंज फिट्ज़रर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस गति करना है और उसमें कोई मान लो 1 मीटर की रोड पड़ी है, कोई छड़ पड़ी है, वो भी क्या इस फ्रेम ऑफ s जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है s डैश उसमें पड़ी है, यानी कि गति करने वाले अक्ष के अनुदिश पड़ी है या गति करने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ी है, तो कोई ऑब्जर्वर जो o से देखेगा यानी कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस s से देखेगा, तो उसे क्या लगता है लॉरेंज फिट्ज़रर के अकॉर्डिंग लेंथ जो है, नाम क्या टॉपिक का, कॉन्ट्रैक्शन, संकुंचन का मतलब क्या होता है, कमी होना, तो उसको इसकी लेंथ क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड या फिर कमी हुई, घटी हुई दिखाई देगी। वो कैसे दिखाई देगी, वो लॉरेंज ने प्रूफ भी किया कि क्या सच में लेंथ घटी हुई दिखाई देती है। तो देखो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश में इस रोड को रखा है, s डैश में रोड को रखा है, तो मतलब s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब मैं देखूंगी तो मुझे उस लेंथ की, उस रोड की लेंथ जो है वो दिखाई देगी, वो कैसी होगी, ओरिजिनल लेंथ होगी, यानी कि जो इसकी एक्चुअल है, जो रियल में इसकी लेंथ है वही दिखाई देगी। तो s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं देखती हूँ तो लेंथ कैसी हुई, ओरिजिनल, l o लिखे, o यहाँ पे शो कर रहा है ओरिजिनल को, यानी कि जो रियल है उसको शो कर रहा है, तो l o क्या आया। अब देखो लेंथ क्या हो जाएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश, क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट देख रही हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश के रिस्पेक्ट में, तो x2 डैश ये डैश है माइनस x1 डैश। अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस s से देख रही हूँ तो लॉरेंज फिट्ज़रर के अकॉर्डिंग क्या, लेंथ घटी हुई दिखाई देगी, मतलब एक्चुअल लेंथ तो दिखाई नहीं देगी, इसीलिए मैं जो लेंथ को डिनोट कर रही हूँ तो मैं सिर्फ l से डिनोट कर रही हूँ कि ओरिजिनल तो इस s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाई दे रही है, s के रिस्पेक्ट मुझे l दिखाई दे रही है,
क्योंकि लोरेंज की अकॉर्डिंग क्या घटी हुई है, इसीलिए मैंने अलग अलग डिनोट किया है ताकि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता चल जाए। अब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या इसके पोजिशन है एक्स टू और एक्स वन, तो लेंथ कितनी हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन। अब मैंने आपको बोला था कि जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इनको पहले इक्वेशन नंबर दे दो, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। मैंने क्या कहा था, क्योंकि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का लोरेंज पिटलर लेंथ को डायरेक्शन में यूज होगा, तो यहाँ देखो यूज हो सकता है एक्स टू एक्स वन, एक्स टू डैश और एक्स वन डैश पड़ा है, और मुझे एक्स के रिस्पेक्ट लोरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये है, और अगर इनवर्स के देखूँ तो वो ये। हम यहाँ पर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या यूज करती हूँ इसमें, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या थी मेरे पास, x की चाहिए तो मेरे पास x डैश। मैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो इनवर्स भी यूज कर सकते हो। तो x डैश क्या आएगा मेरे पास, अल्फा इंटू एक्स माइनस बी टी, ये है यही थी, देखो अल्फा इंटू एक्स माइनस बी टी वही मैंने पुट कर दिया। अगर ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, यहां पर देखो x और एक्स की फॉर्म में लिखा है, तो मैं ऐसा वन और टू की फॉर्म में लिखूं तो सिमिलरली मेरे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन डैश किसके इक्वल आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या थी वन ओवर में रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। वी और सी को तो मैं वन वी वन या वी टू नहीं लिख रही, और सी तो होएगा ही सेम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हम इस सी को सेम होने को भी प्रूफ कर देंगे क्या, कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है तो क्या दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट सी ही दिखाई देगी, ऐसा भी हम प्रूफ कर देंगे। तो पहले ये वाला टॉपिक करते हैं। तो एक्स वन डैश क्या है, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस वी टी, टी को सेम ही बड़ा रहने देते हैं, तो सिमिलरली मेरे पास एक्स टू डैश क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू एक्स टू माइनस वी इंटू टी। इनको दे दो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन थ्री और फोर में वैल्यू क्या है पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आया, एल जीरो की वैल्यू क्या आई, मेरे पास एक्स वन डैश की वैल्यू पड़ी है अल्फा, सॉरी एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश था, तो मेरे पास वैल्यू पड़ी है अल्फा, यहाँ पर अल्फा की जगह आप गामा भी लिख सकते हो, वो क्या आई एक्स टू माइनस वी टी, फिर एक माइनस का साइन था एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश, तो मैंने एक्स टू डैश की वैल्यू पुट करी और माइनस का साइन लिख के मैं एक्स वन डैश की वैल्यू भी पुट करती हूँ, तो एक्स वन माइनस वी टी। यहाँ से देखो क्या होगा, अल्फा इंटू एक्स टू माइनस अल्फा वी टी माइनस अल्फा एक्स वन प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा वी टी, अल्फा वी टी से अल्फा वी टी कैंसिल, यहाँ क्या आया अल्फा एक्स टू माइनस अल्फा एक्स वन, अल्फा कॉमन आ सकता है एक्स टू माइनस एक्स वन। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर टू क्या पड़ी थी, एल इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन, यही पड़ी थी, तो एल नॉट की वैल्यू क्या आई अल्फा इंटू एल या फिर गामा इंटू एल, ये देखो ये पड़ी थी यहाँ पे वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही रोड पड़ी है, वहां पर रोड की लेंथ क्या है ओरिजिनल। फिर ये क्या था, जब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा था जो कि ओरिजिनल है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन क्या एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे इसीलिए उसे एल से शो करा। और मैंने टॉपिक को नाम क्या दिया था, लोरेंज पिट्जरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या यहाँ पर लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो देखो हो रहा है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी एल जीरो वो क्या है, इस L से कुछ मल्टीपल होके दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो L है वो तो इस L0 से कम है
कैसे कम है, देखो एल क्या आएगा, एल जीरो ओवर में अल्फा, अल्फा का जब डिवाइड लग रहा है तो मतलब वैल्यू क्या घट जाएगी, तो यही क्या है लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन, इसी को ही लोरेंज ने बोला था, लोरेंज फिट्ज़रॉय लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में लेंथ को कहीं भी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं दिखाई दिया था। तो ये वाला टॉपिक एक टाइप से है तो बिल्कुल सिंपल ही, एल जीरो की मैंने वैल्यू लिखी सिंपल ही है एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश, और अगर एल लूँ तो एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर मैंने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की यूज करा और वो उसके अंदर पुट किया, तो जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया और जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है। फिर हमने यहाँ से क्या पता चला मुझे, एल जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो है वो लेंथ से कुछ मल्टीपल होके निकल रही है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो लेंथ निकली उससे कुछ मल्टीप्लाई होकर निकला, मल्टीप्लाई मतलब अल्फा की कुछ वैल्यू है, मान लो कोई दो है तो मतलब एल जीरो की आई टू इंटू एल, ये मैंने लेट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो है वो ये वाली लेंथ इस एल जीरो से घटी हुई दिखाई दी थी, यही उसने कहा था कि लंबाई की दिशा के में पड़े हुए, लंबाई की दिशा के अनुदिश जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या है कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देती है, कम हुई हुई दिखाई देती है, यही था लोरेंज फिट्ज़रॉय लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लोरेंज फिट्ज़रॉय लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। इसी की तरह ये एक और टॉपिक है वो है टाइम डिविएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं काल वृद्धि, यानी कि लेंथ में तो क्या हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, घटी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये जो टाइम है वो कैसा दिखाई देगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, वैसे ही दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए, एक ले लिया एस और एक ले लिया एस डैश, ऑब्जर्वर ले लिए ओ और ओ डैश, एक्स वाई और जेड, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश क्या है एक्सेस ले लिए। अब देखो क्या हुआ, इसमें मान लो कि कोई इवेंट हो रही है, कोई घटना हो रही है, मान लो कि कोई पिंड है या कोई भी यहाँ पर पार्टिकल पड़ा है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किसी एक टाइम टी वन हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किया है तो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने टाइम भी डैश का ले लिया, टी वन डैश टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पड़ा है, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या कोई भी इवेंट कोई घटना ले लो वो टी वन डैश पे तो यहाँ हो रही है, इसके वी वेलोसिटी से मूव करने पर किसी टाइम टी टू डैश पे देखते हैं तो वो पार्टिकल या जो भी इवेंट हो रही थी वो कहाँ पर चली गई, इस टी टू डैश पर हो गई। ये कैसा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रिस्पेक्ट में देखा, जब मैंने एस डैश के रिस्पेक्ट में देखा किसी इवेंट को, किसी घटना को या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी है वो आगे की ओर जा रही है, तो टी वन डैश पे तो यहाँ हो रही है इवेंट और टी टू डैश पे वो वहां पहुंच गई जब टाइम कुछ चेंज हुआ, तो देखो क्या हुआ ये इवेंट नहीं चेंज हो रही वो सेम ही है। फिर अगर मैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, टी वन और टी टू यही दिखाई देगा, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट मैंने विदाउट डैश ले लिया और एस डैश के रिस्पेक्ट मैंने डैश ले लिया। अब जैसे मैंने उसमें लेंथ में किया था, लेंथ का ओरिजिनल किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिया था, एल ओ लिखा था एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसी तरह यहाँ पे भी इवेंट एस डैश में हो रही है, तो यहाँ पर टो को मैंने टाइम से शो करा है, तो टो ओ यानी कि या टो नोट का मतलब क्या है, ये ओरिजिनल को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, टी टू डैश माइनस टी वन डैश, यही हो जाएगा, टी टू डैश से टी वन डैश घटा दूं तो मेरे पास इसके बीच का जो टाइम निकला जिसमें इवेंट हुई या जो भी इसमें के बीच का जो टाइम गैप था मैंने उसको ओरिजिनल टाइम बोल दिया। अब यहाँ से टॉपिक से पता चल रहा है टाइम में क्या है वृद्धि होगी, यानी कि मेरे पास एल जीरो क्या आई थी अल्फा इंटू एल, यहीं से पता चला कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो यानी कि टाइम में वृद्धि हुई है तो मेरे पास क्या निकल आएगा अल्फा इंटू टो नोट, तभी तो ये टाइम जो है इस ओरिजिनल टाइम से कुछ बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे अब जो रिजल्ट मिलेगा मुझे पता है ऐसा मिलेगा, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इस टाइप का है तो टाइम डिविएशन इस टाइप का आ जाएगा, और वैसे ही अगर मैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं तो मेरे पास टो क्या आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। अब देखो क्या है मुझे क्या निकालना है, टो इक्वल्स टू अल्फा इंटू टो नोट ऐसा कुछ टर्म आएगी, तभी तो टाइम में वृद्धि हो रही है, टाइम में डिलीशन हो रही है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरह मैंने लिखा। अब देखो लोरेंस फिट्ज़रॉय लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मेरे पास
ये जो थी ये तो थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये थी इनवर्स। अब मैं इसमें इनवर्स का यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या टाइम डिविएशन हो रहा है, तो मेरे पास टाइम चाहिए, तो ही मेरे पास पड़ा है, तो टाइम मेरे पास क्या है, अल्फा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर में सी स्क्वायर, इसको यूज करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे अभी हम, वी नो दैट लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस लिख दो चाहे लॉरेंस लिख दो, लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स में देखू तो वो क्या था, टी इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर में सी का स्क्वायर। सिमिलरली वहां पर एक्स वन डैश एक्स टू डैश की वैल्यू लिखी थी, यहां पर ये विदाउट डैश की फॉर्म में है, तो टी वन और टी टू की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इक्वेशन है तो इसका मतलब टी वन किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, इंटू टी वन डैश माइ प्लस वी एक्स, वन की जगह एक्स ही रहने देंगे क्योंकि हम यहाँ पर अब लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक्स पड़ा रहने दो, एक्स डैश ओवर में सी स्क्वायर, हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं। और वैसे ही टी टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी टू डैश प्लस वी एक्स ओवर में सी स्क्वायर। तो इनको लगा इक्वेशन नंबर वन टू, ये हो गई थ्री, ये क्या हो गई फोर। तो मेरे पास क्या है, T2 T1 की वैल्यू है, तो उसको मैं इक्वेशन टू में यूज कर सकती हूँ। तो बाय यूजिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर इनटू इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में थ्री और फोर को यूज करते हैं अपने। तो मेरे पास टो, सॉरी यहाँ पे टो था, टो किसके इक्वल है, टी टू माइनस टी वन की, टी टू की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू टी टू डैश प्लस वी एक्स ओवर में सी स्क्वायर, यही थी। टी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू, यहाँ पर चलो एक्स डैश लिख भी दो क्योंकि हम डैश वाले की बात कर रहे हैं, इधर एक्स डैश रह गया था, तो T1 डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर में सी स्क्वायर। इधर वाली इक्वेशन में डैश लगाया ना, वैसे मैंने यहाँ डैश लिख दिया, एक्स वन एक्स टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, इसीलिए सिंपल एक्स लिखा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी टू डैश प्लस अल्फा वी एक्स डैश ओवर में सी स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू टी वन डैश माइनस अल्फा वी एक्स डैश ओवर में सी स्क्वायर, ये दो आपस में कैंसिल, प्लस माइनस थी, तो यहाँ पर क्या आया, अल्फा इंटू टी टू डैश माइनस टी वन डैश। और इक्वेशन वन से मैंने इसको क्या लिखा, अल्फा इंटू टो नॉट, ये किसके इक्वल आ रहा है, टो के। तो इससे क्या पता चल रहा है, टाइम में वृद्धि हुई है। देखो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी इवेंट के होने का टाइम मैंने टो लिया था, और एस डैश में उसी इवेंट के होने का टाइम मैंने टो नोट लिया था, तो उस टो नोट में कुछ मल्टीपल होकर मिला है टो। तो इसका मतलब क्या है कि किसी गतिशील फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट हो रही है, तो उसे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जब उसी इवेंट को देखेंगे तो टाइम में कैसा होगा, वृद्धि हुई दिखाई देगी। और अगर इसके अपोजिट मैं लेंथ को देखती हूँ तो लेंथ कैसी घटी हुई दिखाई देगी। तो ये दो टॉपिक्स हैं, एक तो टाइम डिविएशन और दूसरा क्या, लॉरेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का ही यूज किया है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज। यानी कि वेग का संयोजन, या फिर इसका एक और नाम होता है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग रूपांतरण समीकरण। वेलोसिटी की जगह मैं वेलोसिटीज भी लिख दो तो भी एक ही बात है,
यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, वेगों का संयोजन या फिर वेग के रूपांतरण समीकरण। तो आपके पास दोनों में से कोई भी है सेम ही बात है। तो देखो क्या है, हमें क्या पता है कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में मैं क्या ले रही हूँ, पोजिशन क्या ले रही हूँ, तीन ले रही हूँ, कौन सी, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड जब पोजिशन ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी तीनों डायरेक्शन में ले लेंगे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो मतलब अगर मैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं वेलोसिटी देखूँ तो वो क्या हो जाएगी, यू एक्स यू वाई और यू जेड। सिमिलरली मैं एस डैश में देखूँ तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी, यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश। ये तीन वेलोसिटीज होंगी। तो देखो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। रूपांतरण समीकरण का मतलब क्या है कि इस यू एक्स डैश को यू एक्स की फॉर्म में निकालना है, यू वाई डैश को यू वाई की और यू जेड डैश को यू जेड की फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं नॉर्मल देखूँ तो यू एक्स क्या होता है, डी एक्स ओवर में डी टी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और यू वाई क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर में डी टी एंड यू जेड क्या हो जाएगा, डी जेड ओवर में डी टी। यही होगा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस पूरी को। वैसे ही मैं अगर एस डैश फ्रेम ऑफ, ये क्या है, फ्रेम एस की बात कर रही हूँ, अगर मैं फ्रेम एस डैश की बात करूं तब मेरे पास क्या हो जाएगा, यू एक्स डैश वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स डैश ओवर में डी टी डैश का। टाइम का भी डैश ले रहे हैं हम जब लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कर रहे हैं, वैसे ही यू वाई डैश क्या हो जाएगा, डी वाई डैश ओवर में डी टी डैश एंड यू जेड डैश सिमिलरली कैसा हो जाएगा, डी जेड डैश ओवर में डी टी डैश। तो इसमें क्या है, दो तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएगी। इसको रहता है इक्वेशन टू, पहली क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स वेलोसिटीज या वेलोसिटी की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पहले हम करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है वो वाला फाइंड करते हैं। तो देखो आपको लॉरेंट्ज़ की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम का डैश किस में हो रहा है, लॉरेंट्ज़ में ही हो रहा है। ये इक्वेशन आपको अब तक तो डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, एक्स डैश किसके इक्वल आई थी, अल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी प्लस वी एक्स ओवर में सी स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर थ्री। मुझे क्या निकालना है, यू एक्स डैश निकालना है। तो यू एक्स डैश क्या होगा, डी एक्स डैश ओवर में डी टी डैश। मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करके अवकलन करके डिवाइड लगा दूं तो मेरे पास यू एक्स डैश हो जाएगा। तो मैं इन लॉरेंट्ज़ इक्वेशन थ्री का क्या कर देती हूँ, डिफरेंशिएशन कर देती हूँ। तो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर थ्री, तो देखो क्या आया, मेरे पास क्या था, एक्स डैश क्या था, मैं एक बार यूँ लिख देती हूँ, एक्स माइनस वी टी यही था। उसका मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। मुझे क्या चाहिए, डी एक्स डैश ओवर में डी टी डैश। तो डी एक्स डैश की मेरे पास वैल्यू क्या आई, अल्फा बाहर ही आ जाएगा, चलो अल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी इंटू अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन कर वो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू डी एक्स माइनस वी क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है तो वी का डिफरेंशिएशन जीरो, अल्फा मैंने बाहर ले रखा है तो किसका आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा, तो वी टी, क्योंकि वी तो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है तो वी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो, फिर माइनस मैंने टाइम का किया तो वो ये आ गया। तो ये हुआ डी एक्स डैश, और डी वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई के। यहाँ पे एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और सिमिलरली जी जेड डैश किसके इक्वल आ जाएगा, डी जेड के, और डी टी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास क्या पड़ी है, अल्फा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर में सी स्क्वायर। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वी उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये दोनों भी कांस्टेंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो एक्स तो चेंज हो रहा है, तो डी टी डैश क्या होगा, अल्फा इंटू डी टी माइनस वी
ओवर में सी स्क्वायर डॉट डी एम यही बनेगा। अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, वो तो वैसे भी एक कॉन्स्टेंट था तो उसको मैंने बाहर लिख दिया। तो मुझे क्या निकालना है इस इक्वेशन में, इसको चलो दे दो फोर ए, नहीं यहाँ पे कर लिया, यहाँ देते हैं फोर ए फोर बी फोर सी एंड फोर डी। तो इक्वेशन फोर ए डिवाइडेड बाय फोर सी करूँ, इन इक्वेशंस का अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यू एक्स डैश, क्योंकि वो क्या है डी एक्स डैश और में डी टी डैश। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई अल्फा इंटू डी एक्स माइनस वी इंटू डी टी ओवर में अल्फा डी टी माइनस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट डी एक्स। अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा की जगह आप गामा भी लिख सकते हो क्योंकि अल्फा और गामा क्या दोनों सेम थे। तो यहाँ पर बुक में अगर गामा हो तो ये मत सोचना कि मैम ने तो अल्फा लिखवाया, अल्फा गामा दोनों सेम है, मैंने अल्फा लिखा है चाहे आप गामा लिख दो एक ही बात है। तो यू एक्स डैश क्या आ जाएगा, मैं क्या करती हूँ इसको यू एक्स की फॉर्म में बनाना है, यू एक्स की वैल्यू मुझे पता है डी एक्स ओवर में डी टी है, तो मैं डी टी कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैं डी टी कॉमन लेती हूँ तो देखो क्या आया डी एक्स माइनस वी डी टी, इधर भी मैं डी टी अगर कॉमन ले लूँ बाय चांस क्या ले लिया, तो यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा। डी टी को कॉमन इसी तरीके से ले सकते हैं, सिमिलरली मैंने यहाँ भी डी टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आया वन माइनस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट डी एक्स ओवर में डी टी। तो यहाँ से यू एक्स डैश क्या आया मेरे पास, सिंपल डी टी कॉमन लिया, डी टी से डी टी हुआ कैंसिल, तो डी एक्स ओवर में डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास यू एक्स माइनस वी ओवर में वन माइनस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो एक तो आ गया अपने पास यू एक्स डैश। हम निकाल क्या रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज, तो यू एक्स डैश आ गया। अभी तक क्या किया है हमें पता है कि यू एक्स डैश किसके इक्वल आएगा डी एक्स डैश ओवर में डी टी, यू वाई डैश डी वाई डैश ओवर में डी टी डैश और यू जेड डैश क्या हो जाएगा डी जेड डैश ओवर में डी टी डैश। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मेरे पास एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश की वैल्यू पड़ी है, मुझे इनका डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो इनका डिफ्रेंशिएशन किया फिर मुझे क्या चाहिए डी एक्स डैश ओवर में डी टी, तो डी एक्स डैश जो था और डी टी डैश जो था उनका डिवाइड लगाया, तो एक तो मेरे पास वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन निकल आई यू एक्स डैश, सिमिलरली मुझे यू वाई डैश चाहिए, तो यू वाई डैश क्या हो जाएगा डी वाई डैश ओवर में डी टी डैश, और डी वाई डैश वाई वाई के वाई डैश जो था वो वाई डैश के इक्वल था ये देखो। तो मैं यहाँ पर डी वाई डैश की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ डी वाई, डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या आई अल्फा इंटू डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर में सी स्क्वायर, जैसे उसमें सॉरी यहाँ पे डी टी नहीं आ डी वाई था, तो यू वाई डैश क्या आया अल्फा यहाँ पे पड़ा रहने दो एक अल्फा, तो वन ओवर में चलो वन ना लगाओ, हम क्या करते हैं यहाँ से डी टी कॉमन ले देते हैं, तो डी वाई ओवर में अल्फा इंटू डी टी, डी टी मैंने क्या किया कॉमन ले दिया, तो इधर बचा वन वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट डी एक्स ओवर में डी टी, तो ये क्या बन जाएगा यू एक्स। इस डी टी को मैं इसके डिवाइड में भेज सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ डी वाई ओवर में डी टी ओवर में अल्फा इंटू वन माइनस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट यू एक्स लिख दिया मैंने सीधा, तो यानी कि यू वाई डैश की भी एक वैल्यू आ गई यू वाई ओवर में अल्फा वन माइनस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट यू एक्स। सिमिलरली मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यू वाई डैश की सॉरी यू जेड डैश की, तो यू जेड डैश क्या हो जाएगा डी जेड डैश ओवर में डी टी, डी जेड डैश क्या है डी जेड के इक्वल है इस इक्वेशन फोर सी से, और डी टी डैश की मेरे पास वैल्यू पड़ी है, तो डी जेड ओवर में अल्फा इंटू डी टी की वैल्यू क्या है डी टी डैश की डी टी माइनस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट डी एक्स। जैसे इसमें मैंने यू एक्स बनाया वैसे यहाँ पर यू जेड बन सकता है, वैसे ही बनाने के लिए डी टी कॉमन ले देते हैं, तो मैंने इस बार डायरेक्ट इसके डिवाइड में डी टी लिख दिया, ऐसा करके मैं पहले बाद में लिखूंगी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा बिल्कुल ऐसी टर्म बन जाएगी डॉट
dx ओवर में dt, यही टर्म बन जाएगी। देखो जैसे वहां पर बनी थी, तो यहां से मेरे पास uz डैश की वैल्यू क्या आई, uz ओवर में अल्फा इंटू वन माइनस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट ux, तो ux डैश आ गया, uy डैश आ गया। ux डैश मैं यहां पर नोट कर रही हूं एक बार, वो क्या है ux माइनस वी ओवर में वन प्लस, सॉरी वन माइनस है, वन माइनस वी इंटू यूएक्स ओवर में सी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकली जिसमें मैंने ux डैश, uy डैश और uz डैश फाइंड किया। तो देखो ये क्या थी, हमने टॉपिक का नाम क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जैसे लोरेंज में किया था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ लोरेंज, फिर उसका इनवर्स। इनवर्स में लोरेंज में तो डायरेक्ट एक्स डैश, मतलब ये वाले तो डायरेक्ट बन गया था ना, सिर्फ प्लस लगाया और डैश हटा दिया, और जहाँ डैश नहीं था वहाँ ये लगाया। लेकिन वेलोसिटी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इससे इनवर्स बनाने के लिए हमें इसको डिराइव करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट प्लस की प्लस से नहीं आता है, तो इसको जो हम डिराइव करेंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लेना, ये क्या है, वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू।